नवपदस्थ जिला पंचायत अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मंत्री गुरुद्र। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य ने अपने सम्मान को लेकर जमकर बहस की। दुर्ग जिला पंचायत भवन में बुधवार को नवपदस्थ जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जिला पंचायत के सभागार कक्ष में किया गया। इस मौके पर मंत्री रुद्र गुरु मुख्य रूप से उपस्थित हुए। यहां उन्होंने नवपदस्थ पुष्पा यादव को शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में जब सम्मान के लिए जिला पंचायत सदस्यों का नाम पुकारे जाने लगा तो वहीं मौजूद जिला पंचायत सदस्य माया बेलचंदन ने अपने सम्मान के लिए बोल खड़ी हुई और सम्मान नहीं मिलने से जताई नाराजगी, जो काफी देर तक चली बहस को खुद मंत्री गुरुद्र ने शांत कराया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य पदाधिकारी सहित विभागीय अधिकारी भी शामिल रहे। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर मंत्री रुद्र गुरु ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा जी का शपथ ग्रहण समारोह, शुभकामनाएं, बाबा जी का आशीर्वाद भी उनके बने रहे। जिस तरीके से सरकार किसानों के हित में, हर वर्ग के हित में काम कर रही है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर पूरे दुर्ग जिला के विकास के लिए कार्य करेंगे। जरिए अभी ऐसी जानकारी लग रही है कि निश्चित तौर पे ऐसी कुछ भी बात होगी तो उस संबंधित अधिकारी को सस्पेंड करते उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति, सिर्फ दुर्ग जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश में अगर किसी भी ठेकेदार के द्वारा निंदा बरती जाएगी तो ठेकेदार पे भी कभी कार्रवाई होगी। अगर कोई अधिकारी गलती करता है तो निश्चित तौर पर उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। कल मुख्यमंत्री निवास पर आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें वहाँ पे ना कुछ विभागीय कार्य था, हमें जानकारी नहीं थी कि वहाँ पे ना मीटिंग चल रही है, तो हम उस सिलसिले में हम गए थे। जब पता चला कि वहाँ पे मीटिंग चल रही तो हम अपना वापस आ गए। हमारे छोटे पापा, मतलब कि हमारे बेटे आरकेसी में पढ़ते हैं, तो उनको हॉस्टल में हम डालने की सोच रहे हैं, तो उस सिलसिले में TS महाराज से हम बहुत चर्चा करने गए थे। ऐसी कोई बात नहीं, तो उसमें दुख वाली कौन सी बात है। संगठन की तरफ से वहाँ बैठक का आयोजित किया गया था और लगभग सभी मंत्री वहाँ पर उपस्थित थे और मेरा तो प्रोटोकॉल भी जारी हो गया था। मैं हमारा कुछ काम था बिलासपुर जिले में, तो मैं बिलासपुर निकल भी गया था, फिर किसी काम से हमें ना वापस भी आना पड़ा व्यक्तिगत काम से। वो कोई दिक्कत की बात नहीं, वो सब तो मीटिंग होते रहती है। NDCN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।